हॅलो हाउ आर यू नाही करायचं आहे का? गरम तो है पर बा तो बा है। अरे मेघना तू बा कैसे हो आप? बस मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं एकदम सुपर। तू मेरे करे टाइम पे मिल गया, आई है मिलने। अरे बाबा, क्योंकि आज मैं गणपति के लिए प्रसाद बना रही हूँ। क्या बात है बा, तो मुझे भी सिखाओ। अरे तू तो मुझे मेरे से भी होशियार है। अरे नहीं बा, चलो तुम तो हम मिल के ही करते हैं। चलो बा, बहुत अच्छा आइडिया है। तो आज हम गणपति के लिए चूरमे के मोदक बनाएंगे, तो गणपति जी का प्रसाद भी हो जाएगा और हमें मजा भी आ जाएगी। परफेक्ट बात, चलो मुझे भी सीखने को मिल जाएगा चूरमा का मोदक। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमने जो ये एक कप भर के आटा लिया है वो, तो देख मेघना हमें ये गौ का आटा लेना है एक कप, एक हमने जो एक बाउल भर के लिया है वो। और ये दोनों मिक्स है ना बार, रेगुलर वाला और थोड़ा सा दरदरा। हाँ दरदरा वाला। तो थोड़ा हमने, क्योंकि खाली दरदरा वाला रहेगा ना तो मजा नहीं आएगा, वो छूट जाएगा। राइट, वो लड्डू बनेंगे। हाँ लड्डू नहीं बनेंगे। छोटी सी कटोरी में घी लिया है तो उसे हम पहले गरम कर लेंगे, थोड़ा ही घी गरम करना है। मतलब हमें मोयन लगाना है ना बा? हाँ मोयन लगाना है। अब हम इसमें घी डाल देते हैं। मतलब एक कटोरी अगर आटा है तो कम से कम 3 टेबलस्पून जितना मोयन जाएगा? ज्यादा ज्यादा। अच्छा हाँ, ये मुट्ठी बनती है यानी। हाँ। और हमें इसे पहले दोनों हाथ से छुट्टा भी कर लेना है, क्योंकि हमारा घी एक जगह पे न रह जावे। और हमें थोड़ा दूध भी डालना है, क्योंकि दूध नहीं डालेंगे तो कि घी में पड़ेगा। हाँ, वो तो फिर खुल जाएगा ना। हाँ, अभी मुझे लगता है देखो हमारा ये आटा बरोबर है। हाँ, ये दूध डाल के थोड़ा आटा गूंद लेते हैं। मतलब दूध जितना चाहिए उतना डालना है। और थोड़ा सा हार्ड आटा बनाएंगे ना बा? नहीं इतना हार्ड नहीं, बहुत नरम नहीं, बहुत कड़क नहीं। हाँ, मतलब पराठे जैसा। और हमें, हाँ हमें एक साथ आटा नहीं बांधना है। हाँ। अभी आज तो हम थोड़े लड्डू कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हमें एक साथ आटा नहीं बांधना है, थोड़ा थोड़ा बांध बांध के मुठिया बना बना के तल लेना। राइट। तो अब हमारा ये आटा रेडी हो गया है। अभी हमें इसमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे मुठिया बनाने हैं, क्योंकि हमने घी भी बहुत थोड़ा लिया है तो हम छोटे छोटे मुठिया बना के डालेंगे। मैं भी ट्राई करूं? हाँ तेरे को भी करना तो ये है। तो क्या तू इधर ऐसे ही मिलने आई है क्या? हाँ, तो लड्डू बनाने के लिए घी तो सबसे पहले जरूरी है। अने ये मुठिया बा हम कैसे गोल्डन होने तक करें? हाँ थोड़े ब्राउन कलर के होने तक हमें करना। हाँ। हमें स्लो गैस पे ही करना है। और हाँ। देखो हमारे लड्डू अंदर से कैसे फट रहे हैं। हाँ। और अंदर से ब्राउन हो जाएगी अच्छी तरह से। हाँ। ये तो बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है, तो मैं निकाल दूँ क्या? नहीं नहीं थोड़ा और पलटा। अच्छा एक बार पलटा। हाँ। के भी कर लेंगे। हाँ, सही है बा। अरे मीना अभी तो हमारे बहुत ही अच्छा रंग पकड़ लिया है हमारे चूरमा ने। हाँ तो निकाल दे बेटा। अच्छा बा, और खुशबू भी क्या आ रही है ना इसमें से। मेघना तू अच्छे अच्छे मोदक बनाएगी तो गणपति जी तुझे भी आशीर्वाद देंगे। बस वही चाहिए, आपका और पापा का आशीर्वाद मिल जाए तो बस लाइफ सेट है, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। अब हम है ना इसे फोड़ देंगे। अच्छा तो ठंडा हो जाएगा। ठंडा बाद में हमें चूरमा बनाना है उसका, उसके हिसाब से। हाँ देखो हमारा बीच में से जरा भी कच्चा भी नहीं रहा। हाँ। है मीना मुझे लगता है हमारा ये चूरमा ठंडा हो गया है। अरे रुको, गरम है अभी। नहीं नहीं बेटा बिल्कुल नहीं है गरम, देख अभी तो है थोड़ा बहुत तो चलता है ऐसा। अरे और लेडी थोड़ा बहुत तो जलती है। अरे मैं भी करूं? ओ माय गॉड, गरम तो है पर बा तो बा है, अब क्या बोलूं। हाँ, आपको अब मैं ग्राइंडर लूं और ग्राइंडर में हमें इसका चूरमा बनाना है। अच्छा फर्स्ट क्लास है, एकदम सुपर दरदरा सा बन गया है, मजेदार से मोदक बन जाएंगे बा। हाँ, तो हमें डालना है ये घी, तो हम पूरा पूरा घी डाल देंगे। हाँ ये कितना, 2-3 चम्मच जितना होगा ना? हाँ 2-3 चम्मच।
अंदाज़ गुड़ डालना है, मतलब अप्रोक्सीमेटली एक कप अगर आटा का हमने मुठिया बनाया है तो 3/4 कप जितना गुड़ डाल देंगे। हाँ ठीक है। माँ मुझे लगता है ना गणपति फेस्टिवल जब आता है ना तो पूरी मुंबई ना कुछ अलग ही दिखने लगती है ना, सब कुछ एकदम हैप्पी हैप्पी लगने लगता है ना, मुंबई जैसे पूरी डेकोरेट हो जाती है ना गणपति में। तो चलो हम इसमें डाल देते हैं रवा, ये जो हमने किया है। हाँ। वो गणपति बाप्पा मोरिया मोरिया। और अब इलायची कब डालेंगे? अब हम इलायची डाल, तू मिक्स कर ले, मैं इलायची डालती हूँ। अच्छा ठीक है। इलायची का पाउडर बस, चलो। मतलब आपको चाहिए तो ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल सकते हैं ना? हाँ ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ये लीजिए मोल्ड मोदक का। अच्छा हाँ, और अब इसमें से हम मोदक बनाएंगे, इजी हो जाएगा। अच्छा ठीक है चलो है। लेकिन हमें गरम गरम ही भरना है, ठंडा अच्छा। नहीं होने देना है। ठीक है बाबा। और दबा दबा के भरो। हाँ क्या हमें मोदक का शेप आना चाहिए? हाँ बरोबर भराई गई। अरे बा एकदम सुपर भर गया है, एकदम टाइट भर गया है। वाह वाह क्या मोदक बना है। बा रुको बा, मेरा वाला भी देखते हैं। ये अरे झटपट हो रहे हैं और गणपति जी का भी मजा आएगी। तो बा हमारा मदिरा का प्रसाद तो रेडी है, जल्दी से चख के देखें। पहले पापा खाएंगे। अरे हाँ मैं तो भूल गई, पहले पापा को खिलाते हैं और फिर हम खाते हैं। ठीक है।